Welcome to Love is Cancer and Zen Oncol.io. It's Divya Thank here you. From Zen Oncol.io, and this is our Cancer Healing Journey Talks, where we invite speakers who have gone through cancer, maybe as patient, caregiver, or warriors like you who have been through this journey and now inspiring everyone by sharing their journey. So we are happy to have you here and would be more happy by knowing your journey. So please introduce yourself and share your journey with us. Okay. मेरा नाम भूमिका है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ. मैं अभी तो कैंकिड्स हमारी एक एनजीओ है जहाँ मैं काम करती हूँ बच्चों के लिए. मैं खुद एक सर्वाइवर हूँ. मैं जब 11 साल की थी तब मुझे इविंग सार्को में कैंसर हुआ था. 2001 में हुआ था. मैंने 2003 में मेरा कंप्लीट किया. GCRI में लगातार हम कोई भी इवेंट्स रहता था तो मैं लगातार आती जाती रहती थी. तो मेरा 2001 से लेके 2003 तक मेरा बहुत टफ रहा, क्योंकि बिकॉज मैं कैंसर की वजह से मैं 4 महीने मतलब मैं पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल में भटकी. कहीं मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिला. हमारा जो पूरा इनकम था वो सब मतलब हमारा सेविंग वगैरह सब कुछ चला गया. देन हम लोग सिविल में गए, हमारा डिटेक्ट हुआ, हम कैंसर है, फर्स्ट स्टेज पे हम लोग. और फिर हमने जैसे तैसे करके हमारा ट्रीटमेंट किया. खाने को नहीं था, सब कुछ नहीं था, जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज किया. 2003 में आई थिंक मैंने जुलाई या सितंबर में मैंने अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट किया पूरा. मतलब मेरा रिपोर्ट, लास्ट रिपोर्ट मेरा नहीं लाया था. फिर उसके दौरान हमारा GCRI में काइट फेस्टिवल का प्रोग्राम रहता है, मैं बार बार उसमें जाती थी. उसके थ्रू में हर बार जाती थी, हर बार बच्चे को देखती थी. ऐसा लगता था कि मैंने अपना कैंसर की जर्नी में, जब मैं 11 साल की थी, जब मुझे खेलने के दिन थे, स्कूल जाने के दिन थे, वो मैंने बहुत मिस किया. मेरा 2 साल का एजुकेशन छूट गया. फिर मुझे खेलने के लिए नहीं जाने देते थे, या मैं जाती थी तो कोई पेरेंट्स मेरे साथ नहीं खेलने देते थे अपने बच्चे को. मतलब बहुत कुछ मैंने फील किया वो चीज जहाँ मुझे वो करना था. तो मैं चाहती थी कि अब जैसे मैं बड़ी हो जाऊंगी, अगर मैं बाई चांस अगर मैं ठीक हो गई तो मैं कुछ करूंगी, किसी के लिए कुछ करूंगी. तो मैं जैसे जैसे वो वॉलंटियर में जाती गई और बच्चों को देखती गई तो मुझे ऐसा लगा कि चलो बच्चों के लिए कुछ किया जाए. मेरा अपना पर्सनल बिजनेस था, सिलाई काम का, स्टिचिंग करवाती थी मैं दूसरों लोग से. वो मैंने फिट करके मैंने बच्चों के लिए काम शुरू किया. हमारा एक एनजीओ है कैन किड्स कैन, जो कैंसर बच्चों के लिए हेल्प करती है. मतलब पूरा हेल्प करती है, जैसे वो रहने के लिए, खाने के लिए, ट्रीटमेंट सपोर्ट और न्यूट्रिशन सपोर्ट, सब कुछ वो सपोर्ट करती है ताकि बच्चे का ट्रीटमेंट सही से मिल जाए. मैं उसमें अभी जॉब करती हूँ और मतलब अच्छा लगता है. हमारा कैन किड्स का एक लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. तो हमारा वहाँ एजुकेशन बच्चों का छूट जाता है तो कैन किड्स ने एजुकेशन के लिए शुरू किया है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन. जब बच्चा एडमिट होता है तो वहाँ हमारा चटाई क्लिनिक चलता है जहाँ हमारा ओपीडी बेस पे वहाँ बच्चे आके बैठते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं जो उसकी उम्र में उसको करना चाहिए. देन वो बच्चे ठीक होके चले जाते हैं, फिर वो स्कूल जाने लगते तो हम स्कूल के लिए भी हमारी कैंडिडेट्स मदद करती है. तो आपको क्या सिम्टम्स थे जो आपको डायग्नोज हुआ था? मुझे सिम्टम्स में कुछ नहीं था. मेरा डायग्नोस में मुझे ये कुछ नहीं था. मुझे पहले मतलब मेरा पीलिया हो गया था. उसके कुछ साल बाद, मुझे 2-3 साल बाद, मुझे हल्का हल्का सा मतलब पेट में दर्द रहता था. हम हर बार दिखाते थे तो डॉक्टर ये बोलते थे अच्छा सूजन है, ये है, वो है, ऐसा करके उसने दवाई देते थे, हम चले आते थे. अब सडनली 26 जनवरी 2001 में जब धरती कंप हुआ तो उससे पहले मुझे दर्द था, इतना सारा नहीं था कि जितना मुझे ये लगा. तो मैं भागते भागते आई, उसी दिन मेरे पैर में पता नहीं कुछ हो गया. तो हल्का हल्का सा हम लोगों ने मालिश किया तो हो गया ठीक. फिर मैं वापस स्कूल गई तो वॉमिटिंग हुआ. बस वो लास्ट टाइम वो था कि मुझे वॉमिटिंग हुआ और मेरा पूरा पैर चलना बंद, मतलब उसी साइड का, और कंटिन्यूस मुझे पेन होता था. मतलब कितना भी मैं पेन किलर खा लूं, कितना भी कुछ भी कर लूं, मेरे को दर्द नहीं जा रहा था.
तो जब आप 11 साल के थे तो आपको पता पड़ा कि आपको कैंसर है, तब आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? जब मैं 11 साल की थी तो मुझे नहीं पता था, बिकॉज मम्मी हर बार, मम्मी को और पापा को, हमारे घर में हम 3 बहनें और एक भाई है, और मम्मी पापा थे, तो मेरा ट्रीटमेंट की जर्नी में मोस्टली मम्मा रही है, बिकॉज पापा नहीं देख सकते थे, तो उन तीनों को पता था, मेरी बड़ी सिस्टर और मम्मा पापा को, तीन को ही पता था, बाकी किसी को पता नहीं था कि मुझे ये बीमारी है। मुझे तो पता ही नहीं था, हर बार मैं पूछती रहती थी, अच्छा ये कैंसर हॉस्पिटल में है, हम क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, मुझे ऐसा क्या हुआ है, मेरे बाल चले गए, जो मुझे बहुत, मतलब मैं बालों को बहुत प्यार करती हूँ, तो वो चले गए, अच्छा ऐसा तो क्या होता है कि मेरे बाल भी चले जाते हैं, तो हर बार मैं, तुम्हें पेट में दर्द है, अच्छा तुम्हें बुखार आ रहा है, अच्छा ये हो रहा है तो तुम्हें दिखाना है, तो हर बार यही हमें बात करती रहती थी। अच्छा, तो आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था? कि आप तो 11 साल के थे, आपको तो पता नहीं था कि कैंसर क्या होता है, कितना खतरनाक होता है, पर उन्हें तो पता होगा कि कैंसर क्या होता है, तो उनका क्या रिएक्शन था उस टाइम? उनने कैसे लिया ये शॉक? नहीं, मतलब पापा को जब मतलब पता चला ना कि मुझे ये था, तो उसका रिएक्शन मतलब मानो कि पैरों तले जमीन नहीं है, मतलब हमें दिखाई देता है, अच्छा में है, दीवार के साथ सेब चिपकाते हैं, अच्छा क्या हो गया, हमारे फैमिली में किसी को नहीं है, तो वो सब देखती रहती थी, बट मुझे ये समझ में नहीं आता था कि कैंसर क्या होता है, हर बार नाम भी लिया जाता होगा शायद, बट पता ही नहीं कि कैंसर क्या है, तब इतनी सी उम्र में पता नहीं चलेगा ना अगर पेरेंट, क्योंकि हर बार कई बार ऐसा होता था कि डॉक्टर सडनली सामने नहीं बोल देंगे, और बोलेंगे भी तो ऐसा बोलेंगे कि हम लोग वो मस्ती में निकाल दें, वो बात करते करते ऐसा बता देंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा ना कि हमें कैंसर है, तो मुझे पता ही नहीं था। आफ्टर जब मैं 17 साल 18 साल की हो गई, मुझे पर्सनल इश्यूज होने लगे, तो मैंने अपने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम थी इससे पहले, तो मैंने बोला हाँ, मेरा एक बड़ा सा फाइल है जहाँ मैं मतलब फॉलो के लिए जाती हूँ, साल में वो सीटी स्कैन करवाते, वो चेक करते, और मेरे पैर में अभी मतलब प्रॉब्लम है, जब मैं 11 साल की थी उसके बाद का हो गया, मुझसे उससे पहले कभी नहीं था, उसके बाद, तो उसने ऐसा बोला कि अच्छा तू ऐसे काम कर सकती हो, लेके आ सकती, मैंने बोला हाँ मैं क्यों नहीं लेके आऊंगी, मैं लेके आऊंगी दिखाने के लिए, जब उसको मैंने दिखाया, उसके सामने रखा, उसने पूरा पढ़ा कि अच्छा तुमने 9 कीमो लिए है, 30 रेडिएशन लिए है, उसकी वजह से तुम्हें ये है, तो उसने मुझे सब पूछा तुम्हें क्या पता है कि कैंसर था, मैंने बोला किसको था, तो बोले तुम्हें कैंसर की वजह से ही ये प्रॉब्लम थी तुम्हें, तो फिर उसी दिन मतलब जैसे पैरों तले जमीन मेरी भी नहीं थी कि या कैसे कैसे हो सकता है मुझे ये चीज, बट आफ्टर देन 2 दिन के बाद मैंने अच्छे से स्वीकार कर लिया कि हाँ जो भी था वो मेरा पास्ट था, अभी तो मैं 28 की हो गई, 20 साल होने लगेंगे अभी, अभी कुछ इश्यू नहीं है, तो उसको भूल जाना ही बेटर है। मतलब आपका पूरा ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद आपको पता लगा कि कैंसर क्या हाँ, होता है। क्योंकि मैं जब 14 साल की हुई तो मतलब पूरा नील हो गया समझ लो, और मैं जब 17 18 साल की हुई तब मुझे पता चलता है कि मुझे ये बीमारी थी। अच्छा, तो आपने क्या ट्रीटमेंट लिया था उस टाइम? मेरा 9 कीमो लगे थे और 30 रेडिएशन लगे थे, मेरा अच्छा, तो कोई सर्जरी वगैरह नहीं हुई थी? नहीं, मेरा बिना सर्जरी से ठीक हुआ है। आपके ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या और दूसरा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस डॉक्टर जैसे जैसे बताते गए, क्योंकि मैं ना ऐसे ही पहले से चुलबुली थी कि मतलब मैं पहले से ही नौटंकी बाज थी कि हॉस्पिटल में जैसे मेरे को दर्द खत्म हो गया, अच्छा होश में आ गए, सब फिनिश, क्योंकि मेरा 1 कीमो के बाद मेरा दर्द खत्म हो गया था, मैं जीत गई, मतलब मैं समझ गई कि अभी दर्द खत्म तो मैं जीत गई, मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता था, बस मुझे ये दिखाई देता था कि मेरा दर्द कम होना चाहिए, जो मैंने वो 3 महीने जो रात में मैंने वो बोलते ना पीले अपना कुशन डाल डाल के मैं रोई थी ना, वो चीज मुझे नहीं चाहिए, वो एक ही कीमो में मुझे राहत मिल गई, तो मैं जीत गई, भागे भागे, मतलब मैं चल नहीं सकती थी, मम्मी का सपोर्ट, अच्छा सर आ गए, चलो हमें उसके पास जाना है, मुझे पूछना है मुझे छुट्टी कब मिलेगी,
या तो फिर मुझे पूछना है मुझे क्या क्या खाना है बस, और मुझे भूख बहुत लगती थी तो मैं हर बार उसको पूछती रहती थी, अच्छा मुझे क्या खाना है, मुझे क्या करना है, मुझे जल्दी से ठीक होना है, मेरा पैर कब ठीक हो जाएगा, मुझे अब बता दो मुझे क्या करना है। तो वो डॉक्टर ना ऐसे मेरे साथ भी ऐसे गुस्से में, अच्छा बार बार आ जाती है दिमाग खाने, क्या तू नहीं चलेगी, अभी तेरा पैर ठीक नहीं हुआ है, अभी तू बेड रेस्ट है। मैंने बोला मुझे चलना है मुझे ये करना है, तो मैं उसका दिमाग खा लेती थी। आज भी मैं जहाँ जॉब करती हूँ जिस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया है वही डॉक्टर के साथ मैं काम करती हूँ। ओ वाह, तो अब या कैसे तो एक्सपीरियंस है जिसने ऐसा आपको ट्रीट बोलते हैं किया? कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए रे बेटा तू बच गई। मतलब पूरा ही मस्ती वाला माहौल रख रखा है आपने। हाँ अभी भी मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो जैसे मैं जाती हूँ तो रौनक रौनक लगती है कि अच्छा हंसी की स्माइल आई तो मतलब छोटी मम्मी आ गई, ऐसे सब बोलेंगे। तो आप जब ट्रीटमेंट ले रहे थे तो आपको आपके क्या इमोशंस थे उस टाइम, क्योंकि आप 11 साल के थे और आपके साथ वाले जो बच्चे होंगे वो स्कूल जाते थे, एंजॉय करते थे लाइफ, तो उस टाइम मुझे आपका क्या ना होता वो सब समझ में नहीं आता था, बट मेरा टेरेस था तो मैं टेरेस, मुझे कोई खेलने नहीं देता था ना उसके साथ, तो मैं ऐसे ऐसे सोचती थी वो वहां वो लटक लटक के कि ये लोग ना साले कितने बदतमीज लोग हैं कि मेरे को खेलने नहीं, पर पता नहीं था ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। उन पेरेंट्स को तो आइडिया आ गया होगा ना, तो हर बार बस फिर थोड़ा बहुत रो लेती, मम्मा मुझे नहीं साथ में खेलने देते या मुझे ये नहीं करने देते, मम्मा मना लेती थी। घर में 3 भाई बहन थे वो मेरे साथ खेलते थे तो फिर चलता था। हाँ बट अच्छा। अफसोस जरूर हुआ है क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ाई के लिए गई थी आई थिंक तो मैं 6ठी में थी और फिर मैंने 7वीं घर बैठे किया है, मैं सीधा 8वीं में ने एडमिशन लिया है, तो जो मेरे एज के जो लोग थे ना वो आगे चले गए थे तो मैं पीछे रह गई थी। बट फिर भी वो 2 साल की 3 साल की जर्नी में मुझे स्कूल में बैग लेके कैसे जाना है, कैसे स्कूल में बैठना है, लंच टाइम में क्या करना है, वो सब मैं भूल गई थी। वो सबको देखती रहती थी, मैं स्कूल में जाती थी, अच्छा ये बैग में से ये, अच्छा ये लंच चेंज, ये पीरियड चेंज हो गया, अब अभी ये सब्जेक्ट आएगा या तो फिर अभी ये होगा, ये सब मुझे मास मतलब 3 साल की जर्नी में मैं सोच लो कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे जीरो से पढ़ना शुरू करना है, ये सिचुएशन हुआ था मेरा, तो मुझे तो बहुत बैड फील होता था, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी, वरना मैं 6ठी तक इतना सब कुछ अपने आप से बिना ट्यूशन के मैनेज कर लेती थी, जहां मुझे 8वीं 9वीं में मुझे पढ़ाई में फोकस करना पड़ता था, मैं लिख नहीं पाती थी, मेरा होमवर्क भी मेरे फ्रेंड कर देते थे क्योंकि मेरे हाथ भी इतना दर्द करते थे, तो वो अच्छा नहीं लगता था, सब लोग मतलब अंदर चले गए मेरा होमवर्क बाकी है मैं बाहर खड़ी थी। फिर भी आपने सब कुछ मैनेज कर लिया जैसे तैसे, राइट? वो मैटर करता है ज्यादा, है ना? क्योंकि मुझे कुछ मेरा ना पहले से लक्ष्य है कि मैं बच जाऊं, मुझे कुछ करना है, आज भी वही उम्मीद है कि मुझे कुछ बनना है या मुझे कुछ करना है। सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे हर एक इंसान में अपनी इमेज बनानी है और कुछ नहीं, अपनी इमेज एक बार बन गई फिर मुझे उन बच्चों के लिए काम करना है और सबसे ज्यादा ज्यादा लड़कियों के लिए काम करना है, जो कई बार ऐसा बोलते हैं अच्छा लड़की है दवाई नहीं करवानी है घर चले जाते, क्या है पराया धन है कल उठ के ससुराल चली जाएगी, तो उनकी सोच बदलने में हम लोग लगे हैं, उसकी सोच बदलनी है हम लोगों, कोई नहीं रखेगा, भगवान मुझे अच्छे से कुछ कमाने के लिए दे दे तो मैं ही कुछ ऐसा वो संस्थाएं खोल के बैठ जाऊंगी, आ जा बेटा मेरे को तेरी जरूरत है और किसी को हो ना हो मैं तुम्हें ले रख लूंगी। तो उस टाइम आपने ट्रीटमेंट के टाइम आपने क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए थे, डाइट में या फिर कुछ मैं भी? कुछ चेंजेस नहीं किए थे, मेरे सामने खाना आया मैंने खा लिया, जो भी कुछ थाली में आया मैंने सब कुछ खा लिया, मैं जब मैं ट्रीटमेंट के लिए गई तब मेरा 20 से भी कम मेरा वेट था, मैं ओ 11 साल की थी आई थिंक 13 14 या 16 किलो मेरा वेट था, और जब मेरा कीमो स्टार्ट हुआ आई थिंक तीसरा या चौथा मेरा कीमो लगा होगा मेरा वेट 34 40 बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया, फिर उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा वेट कम करना पड़ेगा क्योंकि ओवरवेट भी कीमो के लिए तो हानि रहता है ना, तो फिर हाँ
फिर भी खाना चलता था, बट जैसे रेडिएशन शुरू हुआ मेरा वेट कम हो गया। अच्छा, क्योंकि रेडिएशन के दौरान मुझे 30 रेडिएशन दिए, मतलब 30 रेडिएशन में मेरा इतना वीक, मुझे वीकनेस फील होता था, मुझे वॉमिटिंग वैसे कुछ नहीं होता था, बट इंटरनली ऐसा लगता था कि मैं थकी थकी हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। वैसे वो और कुछ इश्यू नहीं हुआ, बट ऐसा महसूस होता था कि मुझे कोई बुलाए नहीं तो अच्छा है, वरना मैं उसको मार दू, मतलब सब बहुत रहता था। इरिटेशन फील होता था आपको। हाँ, इरिटेशन फील होता था मुझे। और क्या साइड इफेक्ट्स थे आपके? हाँ जी, और क्या साइड इफेक्ट्स थे आपके? मेरे साइड इफेक्ट्स में कुछ नहीं, सब लोगों को तो बोलते हैं ना कीमो में वॉमिटिंग होता है, हाँ, चिड़चिड़ापन होता है, मुंह में छाले आते हैं, कभी मेरे मुंह में छाले नहीं आए थे। हाँ, वॉमिटिंग कभी कभी होता था, डायरिया हो जाता था मुझे बार बार, मेरा यूरिन में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता था बार बार, और मेरा हेयर लॉस एक एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार गए हैं, ओ आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, मतलब मुझे अच्छा। दगा देते रहते थे कि बेटा मैं आ गया हूँ, फिर बोलते हैं मैं जा रहा हूँ। तो भी आप कैसे हो, इतने पॉजिटिव होके बता रहे हो कि हाँ जगह देते, आ रहा हूँ जा रहा हूँ अभी भी। हाँ, क्योंकि मुझे ना बाल बहुत पहले से पसंद है, तो इतने इतने से आ गए, अच्छा ऐसा फीलिंग होता है, हाय मेरे बाल आने लगे, अभी मैं और खूबसूरत दिखूंगी। फिर वापस कीमो लगा, दूसरे दिन देखा कीमो लेके आए तो तकिए पे बाल आ जाते थे, तो वापस नर्वस हो जाते थे, बट फिर भी उम्मीद रहती थी कि अच्छा पहली बार आए थे तो दूसरी बार आ ही जाएंगे, तो ये उम्मीद में हाँ लगी रहती थी। अच्छा, तो अपन जो और भी है ना। मैंने क्या, अपनी जर्नी के दरमियान मैंने एक दो बार, मतलब मैं छोटी थी फिर भी मैंने एक दो बार अपना न्यूज़पेपर में दिया हुआ है अपना स्टोरी। ओ हाँ, मैं पहले से देती आ रही हूँ, वाह, मतलब मैंने पहले एक से आप छोटा बहुत सा पहले से बच्चा था, इंस्पायर मेरे करते साथ आ रहे कोई हैं। बैठा था, मतलब पहले क्या था, कोई गिफ्ट बहुत देता था पीडियाटिक में, तो अभी जस्ट वो मुझे ना ऐसे ड्राइंग शीट वगैरह देके गया था, कोई बच्चा था रो रहा था, तो मैं उसको फुसला रही थी क्योंकि मैं भी बच्ची थी, मैंने बोला बेटा तू ले ले, मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि मैंने जीसीआर में से बहुत खिलौने लिए हैं, तो वो नया था तो मैं उसको दे रही थी, और वैसे कोई आया बोला मैं फोटो खींचू, मैंने बोला हाँ खींचो, क्योंकि मैं फोटो के बहुत शौकीन हूँ, खींच लो। फिर थोड़ा बहुत मम्मी को पूछा होगा, हिस्ट्री आई होगी, तो वो याद है कि मैं न्यूज़पेपर में आई थी। अच्छा, मतलब पहले से आप सबको इंस्पायर करते आ रहे हो ट्रीटमेंट के टाइम से ही। हाँ, तो ट्रीटमेंट के टाइम पे ही मतलब हम जब किसी डिफिकल्टी से निकलते हैं, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से, तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो आपने क्या क्या चीजें सीखी है अपनी इस जर्नी से? मैंने एक चीज तो मैं सब पेरेंट्स को बोलती हूँ जहाँ हमारे आते हैं, पहले तो आप यहाँ आ गए हो तो बेटर है कि आप हॉस्पिटल में सही जगह पे पहुंच गए हो, बट आप एक लक्ष्य रखो कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत देखे पेरेंट्स इधर भागते उधर भागते, आफ्टर दिन बच्चे को खो देते हैं, तो मैंने वहां से ये सीखा है कि मुझे कहीं नहीं भागना है, अगर मुझे कैंसर हुआ है तो मुझे प्रॉपरली ट्रीटमेंट की जरूरत है और किसी चीज की ट्रीटमेंट जरूरत नहीं है। अगर आप सही मायने से ट्रीटमेंट करवाएंगे, डॉक्टर जैसे जैसे बोलेंगे उस तरह से चलेंगे, तो दो चीज चाहिए हम लोगों को जब हमारा कैंसर का जर्नी है, तो सबसे पहला ये कि डॉक्टर जैसे बोलते हम वैसे फॉलो करते जाए, उसमें कोई हाना नानी ना करे, चाहे वो मैरिज प्रसंग हो, चाहे कोई मर गया है, चाहे कोई और जगह पे जाना है, तो उसे छोड़ दीजिए, और आप बच्चे को यहाँ लेके आना है तो पहले फोकस वही रखना है कि मुझे बच्चे को फॉलो उसी डेट पे होनी चाहिए जिस डेट पे हमने डॉक्टर को बुलाया है। दूसरा चीज, घर में भी बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि इसको कुछ नहीं हुआ है, जैसे बर्तन अलग रखना, उसका चद्दर अलग रखना, तो कैंसर चेपी नहीं है, तो पहला घर में भी बिहेवियर सेम होना चाहिए कि बच्चा नॉर्मल ही है, उसे कुछ नहीं हुआ, हल्का सा फीवर है, बस उसे मुझे ठीक करना है, ये फीवर ऐसा है कि वो 3 साल तक रहेगा या 4 साल तक रहेगा या 6 साल भी रह सकता है या 6 महीने में मिट भी सकता है, तो उसी के हिसाब से, और घर में जितने लोग हैं ना उन लोगों को इतने प्यार से उस बच्चे के साथ रहना है या पेशेंट के साथ रहना है ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि वो खुद कैंसर का पेशेंट है सबसे पहला, क्योंकि हर बार कहीं पे भी जाते हैं अच्छा ये कैंसर का पेशेंट, अच्छा ये कैंसर का पेशेंट, जो इंसान की दृष्टि हो जाती है ना चेंज, तो सामने वाले इंसान को खड़े खड़े मार देता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए।
इंसान की दृष्टि ये होनी चाहिए, इसको फीवर है, हमें इसको ध्यान से रखना है, बस उसको प्यार से रखना है, उसको प्यार और दवाई की जरूरत है और कुछ नहीं। वो दो चीज उसको सही मात्रा में मिल जाती है ना, तो बंदा अपने आप खड़ा हो जाता है। आपको लगता है अगर आपको कैंसर नहीं होता है तो एज ए पर्सन जो आप में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं वो बाद में नहीं आते? जैसे कि जैसे हम निकलते हैं इतनी डीप जर्नी से, अपन निकलते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और बहुत कुछ डीपली सोचने लगते हैं और डीपली समझने लगते हैं। आप इतने शायद कम होता भी, क्योंकि होता भी और नहीं भी होता, क्योंकि ये देखने के बाद पता चलता है कि इंसान का दृष्टि कैसा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जिसके साथ जुड़ते हैं ना, तो इंसान की पहचानने की एक दृष्टि होती है कि उसको पहचाने हम वो कैसा इंसान है, तो उसी में से भी सीखने के लिए मिलता है कि अच्छा ये होता है तो ये चीज गलत है, और मैं पहले से गलत चीज के खिलाफ हूँ, मुझे कोई भी गलत चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे वो मेरे घर में हो चाहे बाहर हो, और मेरे को पता है कि वो बंदा मेरे को जानता नहीं है, वो गलत बोला है, तो मैं उसको जाके डांट देती हूँ चाहे वो मुझे जाने, फिर मैं उसको समझाऊंगी कि ये गलत थी तो वो गलत थी, या गलत था वो गलत। तो दो तरीके होते हैं कि मैं सीख के आई, मुझे खुद को फीलिंग हुआ है और मैं सीख रही हूँ। दूसरा चीज, अगर मैं ठीक होती, मुझे कैंसर नहीं होता, मैं हॉस्पिटल में कई बार जाती देखती फिर भी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज, ऐसा नहीं कि कैंसर की जर्नी में से ही मैं सीखी हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि उसमें से मैंने मैंने कुछ कुछ चीजें सीखी है, देखा है कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अच्छा ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये चीज हो सकती है। अच्छा, तो आप अब काउंसलिंग करते हो और बच्चों को घूमने ले जाते हो, उनका ध्यान रखते हो हॉस्पिटल में? मेरा कैन किड्स के जर्नी के साथ मेरा 2016 में, मतलब मेरा पर्सनल, मैं अपना मतलब मेरे हाथ के नीचे 20 सिलाई काम वाले लोग थे जो सिलाई काम करते थे, मेरे को पहले से ऐसा था कि मैं किसी के घर में एक इनकम लाऊं, तो मैंने सिलाई काम स्टार्ट किया। मेरे हाथ के नीचे जो मतलब 40-40 इयर्स की लेडीज है या उसको कुछ नहीं आता, वो ऐसे फोकट में बैठी है, तो मैंने उसको सिलाई काम सिखाया। आज वो मेरे थके मैंने उसको सिखाया, वो तो 10-10,000 कमा लेते, 5,000 कमा लेते, तो मेरे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। तो मुझे पहले से मुझे ब्लेसिंग की जरूरत है और कुछ नहीं, मैं कुछ करूँ ना करूँ बस उसके लिए घर में मेरे मैंने सिखाए हुए उस पैसे, उसका कुछ इनकम अर्न हो जाए, बस वही मेरा लक्ष्य था, तो वो मैं करती थी। मैं फिर हमने पिकनिक में जाना शुरू किया, कैन किड्स में सर्वाइवर्स के डे पे पिकनिक लेके जाते बच्चों को, तो मैं उसके साथ एक दो बार गई, मैं उनको पूछा आप इतने सारे बच्चों को लेके जाते हो अकेले कैसे मैनेज करते हो, तो बोले बेटा टफ रहता है बट हो जाता है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं आप मुझे बुला लेना, मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ, वैसे मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो उसने बोला अच्छा पक्का कर लेगी? हाँ, मैंने बोला कर लूंगी, अपने ही फोन से कर लूंगी। तो उसने एक बार मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने सब मैनेज किया, बच्चों को कॉल किया, बुलाया, पिकनिक पे गई, वहां उसको संभाला, सब कुछ मैंने जिम्मेदारी ली। फिर सोचा क्यों ना मैं अपने कैन किड्स में जाऊँ और बच्चों के लिए काम करूँ, सिलाई का काम साथ में, मैं कैन किड्स में 6 महीने ऐसे ही गई वॉलंटियर में। मुझे लगा कि मुझे 10 से 3 बजे तक जाना है या सुबह 9 से 5 बजे तक जाना है, तो मैं पूरा दिन वहां रहती थी, बच्चों के साथ खेलना, वर्कशीट करवाना, संगीत कुर्सी खेलना, फिर अंताक्षरी खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो मैम आई थी हमारी, हमारी धनश्री मैम है मुंबई से, रीजन ऑफिस से, तो उसने बोला आप जॉब करना चाहते हैं? हाँ, मैं करना चाहती हूँ। तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया, उसको अच्छा लगा, मैंने जो क्लिनिक खोला था बैठ के, हम चटाई क्लिनिक कर रहे थे, तो उसने देखा कि तुम अच्छा वर्क करते, तो उसने मुझे 2016 में मुझे उसने ज्वाइनिंग किया सितंबर में। सितंबर से लेके अभी तक मैं एक चटाई क्लिनिक चलाती हूँ जहाँ बच्चे बैठ के खेलते हैं, ड्रॉइंग करते हैं, मस्ती भी करते हैं, हमारे साथ खाना भी खाते हैं, वो अभी हम एक थाली में ही खाना खाते, कभी अलग नहीं बिठाते उसको। तो अब तो हॉस्पिटल में बच्चे आपका वेट करते होंगे कि भूमिधि कब आएगी। हमें अभी तो क्या है कि कोरोना है, तो मैं 6 महीने से नहीं गई हूँ, तो थोड़ी बहुत मोटी भी हो गई हूँ, तो मैं पूरा मास्क, ये पूरा है यहाँ तक है, तो भी बच्चे पहचान लेते कि यही भूमिधि है और कोई नहीं है।
दो साल का लड़का या ढाई साल की लड़की पीछे पीछे ऐसे भागते भागते थे। अच्छा भूमि दीदी, पापा बोलते नहीं आई है, नहीं आई है, फिर बोलते नहीं यही भूमि है, फिर चिल्लाएंगे ना तो मैं ऐसे खोलोगे ना, तो बोले बोला था ना भूमि दीदी है, तो बहुत अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा आपका कनेक्शन है बच्चों के साथ, बहुत अच्छा। तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर। हाँ, मैं जब स्टार्टिंग किया 2016 में 17 में जनवरी या फरवरी में दो लड़कियां ऐसी आई थी जो स्ट्रेचर पे थी। स्ट्रेचर पे आने के बाद वो बच्चे मतलब 13-14 साल की लड़की थी, उसको समझ में आता था कैंसर क्या है, क्योंकि 17 में तो सबको समझ में आता था कि कैंसर क्या है क्योंकि बढ़ गया था ना इतना सारा, इसलिए मतलब नर्वस थी, मतलब कुछ ना कुछ बड़बड़ती थी। तो मैंने उसका काउंसलिंग किया, उसको अच्छे से ट्रीट किया, आज वो बच्ची मतलब अच्छी है, अपने पैरों पे खड़ी है, पढ़ाई करती है। तो मैं सिर्फ ऐसे कॉल करूंगी ना, अच्छा श्रुति मैं बोल रही हूँ, अच्छा हाँ हाँ भूमि दीदी बोलो, क्या काम है, अभी कैसे हो आप? मैंने बोला मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। तो एक श्रुति है जो अभी उसका ऑपरेशन सर्जरी हुआ है और उसका तो खुद का ही लेग है, सिर्फ प्लेट डाला है अंदर। एक पुष्टि है जिसका पैर इम्प्यूट किया है, तो डॉक्टर ने बताया था कि हम बचाने की कोशिश करेंगे बट इम्प्यूट करना पड़ा, तो उसने एक ही झटके में बोल दिया कि आप मेरा पैर काट सकते हो, जितना काटना चाहो उतना। मामी पापा रोते थे कि मेरी बेटी का पैर कटने वाला है, बट वो उसने कभी बूंद नहीं गिरा कि मेरा पैर कट जाएगा, उसको लाइफ में आगे बढ़ना था। तो अभी वो आर्टिफिशियल पैर पैर के हॉस्पिटल में दिखाने आती है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है वो। वाओ, तो अच्छा लगता है जब कोई बंदा अपना समझाया बंदा हुआ ठीक है और अपनी पैर पे खड़ा है और ऐसे हमने बोल रहा है कैंसर सर्वाइवर्स के डे कि हाँ मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, मेरा पैर इम्प्यूट है, मैं ये हूँ, और वो भी एक लड़की बोलती है, तब मुझे बहुत प्राउडली फील होता है। घर लड़का तो कहीं पे भी जाके बोल देगा पर लड़की को नहीं ना, कहीं पे भी जगह नहीं दी जाएगी, हाँ बेटा तुम यही खड़ी रहो और तुम बोलो, वो चीज नहीं होती है। तो वो चीज होने लगी है तो वो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं चलो एक लड़की थी हुई, उसको एक स्टेज मिला, वो बोल पाती है कि वो खुद एक सर्वाइवर है, उसका पैर इम्प्यूट किया है, वो फिर भी वो चल सकते। तो उम्मीद रहती कि दूसरों को भी ये सिखाए कि पैर या हाथ वो महत्व नहीं है, अपना जीवन महत्व है। तो आपने अभी इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे भी कुछ बहुत सीखने को मिला है ये सुन के कि कैसे इंस्पायर दूसरों से इंस्पायर होकर जीना चाहिए और सिर्फ जीने पे फोकस करना चाहिए। तो आपकी काउंसलिंग के टाइम और बच्चों के साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया है, तब आपने क्या सीखा बच्चों से? मतलब हम छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीखने को होता है, बहुत कुछ सीखने को, मतलब बच्चे ना, मैं सबसे पहले उसको मिलती हूँ ना, फर्स्ट टाइम अगर मैं मिली हूँ तो कोई भी बच्चा अपने साथ अटैचमेंट नहीं करेगा क्योंकि उसको अनजान लोग से बहुत डर लगता है। तो उसको मैं ड्राइंग शीट देती हूँ या टॉफी देती हूँ या खिलौना देती हूँ, अच्छा बेटा ये अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे मुंह मिलाएगा। फिर मैं बोलूंगी मेरे को ना ऐसे 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 करते हैं ना, वो बच्चे पसंद नहीं, वो अपने मुंह से बोलेंगे ना वही बच्चे पसंद है, फिर वो धीरे 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 बोलने लगेगा, फिर अपना फीलिंग शेयर करने लगे, चाहे वो 3 साल का है चाहे वो 5 साल का है। 3 साल का भी बच्चा हमारे साथ आके उसकी फीलिंग शेयर करता है कि दीदी मुझे यहाँ दर्द होता है। तो मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि दीदी वो आप पूछोगे ना तो आपको बताएगा कि उसको क्या होता है, हमें नहीं बताता तो हम पूछते हैं उसको, अच्छा आप ऐसा करो छठे पे है ना आज आप एक्सरसाइज करेंगे, तो अपना अपनी आंखें बंद करो, टटार बैठो, फिर अपना श्वास लो अंदर, जितना लिया जाए उतना लो, फिर रोक दो, अच्छा कहीं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो अपनी आप से बताएगा यहाँ दर्द होता है या मुझे ये चीज होती है। अच्छा जिसके पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा नहीं खाता है ये करता है, तो हम बोलते हैं हम खाने बैठेंगे, मैं आवाज लगाऊंगी कि मैं खाने बैठ रही हूँ तो आप भेज देना उसको, फिर वो आता है, अच्छा क्या खाएगा, अच्छा मैं रोटी दाल चावल क्या खाएगा, जो भी उसको खाना है हम उसको खिलाएंगे, उसका पेट भर जाएगा अपने आप खड़ा होकर चला जाएगा। हाँ, और कुछ बंदे तो ऐसे भी थे कि पेट भर जाए ना फिर बोलता है हाँस में थक गया खाते खाते, तो वो चीज भी अच्छी लगती है कि अपने स्टाइल में बंदा खा रहा है या अपुन के स्टाइल में आ गया ऐसे।
अपन के हाँ, स्टाइल में आ एक गया था आर्यन था। हमारा, अच्छा ठीक हो गया था, उसको खाना अच्छा नहीं लगता था जब उसको कीमो चल रहा था, क्योंकि वो एलएल का पेशेंट था, हाई कीमो चल रहा है। उसके पापा हर बार टोकते थे, दीदी ये खाना नहीं खाता है। मैंने बोला ठीक है हमारे साथ, तो ये बोलता था, हाँ मैं खाते खाते थक गया। तो जब उसको वापस हुआ, एक ही कुछ ही महीने बाकी थे उसके दवाई में, उसको यहाँ नोट्स दिखाई दे, तो आके सीधा मुझे बोलता है, दीदी देखो यहाँ मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। बोला क्या दिखाई दे रहा है? दिखा, रास्ते में ही थे, मैं जस्ट ऑटो से उतरी थी। अच्छा क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने दिखाया। अच्छा मैंने बोला कुछ मत करना, अब टेस्ट करवा लो, टेस्ट करवा के सीधा मेरे पास आ जाना। मुझे पता था वो बच्चा रिलैप्स। फिर भी लास्ट टाइम तक हमने उसको मायूस नहीं किया, सिर्फ ये बोलता है मेरे को घर जाने के टाइम में फोन करते हैं, अच्छा बेटा क्या खाना है तुम्हें शाम को? अच्छा दाल चावल, मैं घर आती हूँ खाना बनाती हूँ और मैं उसको जाके देती हूँ वापसी। मेरा और हॉस्पिटल से 7 या 8 किलोमीटर का अंतर है। मैं 7:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे जब भी घर आती हूँ, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ देने के लिए, फिर उसके साथ बैठती हूँ बोलती हूँ। फिर उम्मीद ना नहीं रही मुझे कि वो अभी कुछ करेगा, क्योंकि उसके प्लेटलेट्स बनने बंद हो गए थे। लास्ट टाइम हमने हमारा साथ छोड़ दिया उसने। बट जाते जाते टाइम भी बोल हमें दिखते गए। अच्छा भूमि दीदी किधर है? वो दिखता नहीं था ना, महसूस करता था कि कहाँ है वो बंदा। उस मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि बच्चे या कोई बंदे का कैसा, मतलब कैसे उसकी जान कैसे जाती है। मैंने वो फर्स्ट टाइम मैंने आर्यन में देखा था कि अच्छा बंदे जब मरते हैं ना तो उसकी जान ऐसे जाती है, आंख से या मुंह से ऐसे। मैं देख रही हूँ आर्यन आंखें खोल रहा है, तो ऐसे पता, जब मैं बोलती हूँ डॉक्टर ये जिंदा है जिंदा है जिंदा, बोले नहीं भूमि ये जिंदा नहीं है, उसकी आंखें खुली रह गई, आंख बंद कर दो। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं उसके लिए, तब मैंने उसके लिए प्रे किया कि भगवान कभी किसी को ऐसी तकलीफ मत दे। तब मैं बहुत नर्वस हो गई थी, खुद के लिए भी नहीं हुई, बट मैंने उसको इससे पाला था ना, तो मैं उसके लिए नर्वस हो गई थी। फिर भी आपने उसको बहुत हाँ एक ट्रीटमेंट के हमारी टाइम बहुत भागु खुश रखने थी, वो की जब कोशिश 1.5 साल की थी तब आई थी, उसको ओवरी में था। 1.5 साल की बच्ची को क्या ओवरी में होता है डेढ़ उसको? साल की बच्ची को हाँ वो उसको ओवरी में था, वो बोल 1.5 साल की थी तब नहीं बोल सकती थी। फिर जब वो 2 साल की 2.5 साल की हो गई, और वो जब आती थी, अच्छा भूमि दीदी के रूम में चलो वरना कहीं नहीं जाना है, मेरे रूम में आके खेलती थी। ब्लड कलेक्शन के टाइम मैं बोलू मानो जाओ तो वो जाती थी। फिर जब वो दाखिल होती थी हॉस्पिटल से बाहर, में घर जाओ अच्छा मानू मैं जा रही हूँ, अच्छा कल आना जी, मैंने बोला हाँ ठीक है आओ जाओ, आ जाऊंगी। जैसे ही मैं आऊंगी सुबह में जो उसको फेस दिखाना कि मैं आज आई हूँ, तो मुझे सीधा कंप्लेन करेगी कि सिस्टर ने मुझे आज इतनी बार सुई लगाई शाम को, या मम्मी ने इतनी टाइम मुझे डांटा। तो बोलती है दीदी जीजी आप ना इस सिस्टर को मारो कि उतनी बार मुझे सुई लगाई है, या तो मम्मी को डांटो उसने इतनी बार मुझे डांटा या मारा है। हाँ बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता है बच्चों का अटैचमेंट अपने साथ। मैं उसको ड्राइंग शीट वगैरह, टॉफी, बहुत सा कुछ हम रखते हैं बच्चों को कन्विंस करने के लिए कि वो हमारे साथ बोले, हमारे साथ अटैचमेंट करे। तो बहुत अच्छे से तरीका अच्छा मालूम पड़ गया कि अच्छा इतने साल का बच्चा ये इससे बोल सकता है, इतने साल का बच्चा इससे बोल सकता है। और दूसरी चीज ये है कि एक मेकअप विश करके फाउंडेशन है जहाँ बच्चों का विश पूरा किया जाता है। तो मैं बच्चे को पूछती हूँ, अच्छा आपका कोई विश है, आपको कोई चीज दे तो आपको अच्छा लग, अच्छा क्या चाहिए? कोई बोलेगा मुझे बाइक चाहिए तो बाइक, टीवी चाहिए तो टीवी, रिमोट कंट्रोल कार चाहिए तो रिमोट कंट्रोल कार, कुछ इतना कुछ मांगते रहते, तो हम दिलाते रहते हैं मेकअप विश से। हमने मेकअप विश में से जो वो, मतलब लेडी काम करती है उसके साथ फ्रेंडशिप कर लिए, तो कोई भी बच्चा रह जाता है तो मैं उसको फोन कर देती हूँ, अच्छा इतने बच्चे रह गए उसका फॉर्म भर देना और उसका विश पूरा कर देना। तो ना बच्चों की कंप्लेन भी सुनते हो, उनकी विश भी पूरी करते हो, मतलब बिल्कुल सुनना बहुत पड़ता है क्लोज ना, हो आप। अगर हम उसके, अगर बच्चों का कंप्लेन सुनेंगे तो सिर्फ कंप्लेन सुनने के लिए भी तो नहीं बैठे ना, कुछ हमारी भी डिमांड है। तो वो जब कंप्लेन करते हैं ना तब हम सुन लेते हैं, फिर हमारी बारी आती है तो हम भी उसको सुनाते हैं, अच्छा ये खाना है कंपलसरी खाना है, नहीं खाया तो मैं सामने खड़ी रहती हूँ और उसको भी, अच्छा दीदी ये दूध नहीं पीता, अच्छा मैं खड़ी हूँ पिलाऊ, क्यों नहीं पीता मैं देखती हूँ, पीता
पीना ही पड़ता है उसको, तो सब चलता है ना, उसकी मर्जी सिर्फ नहीं चला सकते ना। अच्छा उसका वेश पूरा करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, तो अपनी बात वो बच्चा सुनेगा ना, कोई भी बंदा है, चाहे मैं हूँ, आप मेरी सुनोगी तो मैं आपकी सुनूंगी ना, वरना नहीं सुनूंगी ना, इग्नोर ही करो। तो सब चीज बच्चे में भी होती है। तो अभी जो पेशेंट्स और कैरगिवर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे कि जैसे कि आप क्या ध्यान रख सकते हो, या फिर इमोशनली क्या मैसेज देना चाहोगे, लाइफ को खुल के जीना और कुछ भी, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मैं तो ये बोलती हूँ, चाहे कैंसर है चाहे कोई भी बीमारी है, उसका सही से इलाज करवाओ, और उसको मन में ये मत रखो, अच्छा मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी नहीं, मैं ठीक हो सकता हूँ, बस उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, मुझे जैसे मेडिसिन लेना है तो मैं मेडिसिन लूंगा, मुझे और कुछ करना है तो और कुछ, कोई भी बीमारी है या कोई भी चीज है, अगर हम अपने अच्छे से तरह से ध्यान रखेंगे तो कोई भी बीमारी अच्छी हो सकती है। मैं खुद कैंसर से बाहर आई, बहुत सारे लोग कैंसर से बाहर आए, मेरे ग्रुप में आज 41-45 लोग है जो कैंसर की जर्नी से बाहर आ चुके, किसी का 10 साल हुआ है, किसी का 20 साल, आज मेरा 20 साल हो गया मैं बाहर आ चुकी हूँ, किसी का 10 साल हुआ है तो किसी का 18 साल हो गए, बहुत सारे लोग है, बहुत सारे डिसीज है, जैसे इविंग सार्कोमा में ब्लड का, CML का, और हड ओवरी का है, बहुत सारे कैंसर है जिसमें से वो लोग बाहर, ऐसा नहीं कि कैंसर है तो मतलब कैंसर हो गए, कैंसर भी ठीक हो सकता है जब आप उसको सही मात्रा में दवाई दीजिए और सही से रहिए, मन में नेगेटिव विचार मत डालो, अच्छी अच्छी किताबें आती है वो पढ़ो, अच्छे अच्छे विचार लाओ, कुछ बहुत योगा है तो आप वो करो, और मस्त रहो अपनी लाइफ में, इंजॉयमेंट करो, ना कि आप सोते रहो और ऐसे ही अच्छा मुझे ये बीमार, इंजॉयमेंट करना सबसे बड़ा, अपने आप हम खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश रखेंगे। फिर मैं ये बोलूंगी ना, मेरे को दर्द है दर्द है, तो वो रहेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने दिमाग में बिठा लिया है। सबसे पहले दिमाग से निकालना जरूरी कि ये चीज जा सकती है, मुझे मिटाना है, मेरा लक्ष्य ये था कि मैं नहीं चल सकती, मुझे चलना है, और आज मैं चलती हूँ। 99% में अपाहिज में आ गई थी, आज मैं 20% भी अपाहिज नहीं। वाओ, मेरे पैर में 20% ही डिफरेंट है, जहां मैं बीमार हुई थी तब 99% डिफरेंट था। तो वो चेंजेस मैंने लाया है, डॉक्टर ने अपना काम किया है, बट मुझे तो भी तो पॉजिटिव होना था, वो अपना दवाई करता है, डॉक्टर बोलता है मैं दवाई करता हूँ और कुछ नहीं, वो सब पे तुम पर निर्भर है कि तुम कैसे करोगे, तो आज मैंने किया है, मैंने मेहनत की, आज मुझे मेहनत का फल मिला है, तो वो चीज करनी चाहिए। फिर सिर्फ डॉक्टर पे ऐसे नहीं कि अच्छा डॉक्टर ही कर देगा, डॉक्टर तो दवाई देगा, मेडिसिन का काम करता है वो, आपको वो बीमारी से हटाने का काम करता है, बट आप मन में रख के जो बैठे हो ना, वो तो पहले हटा दो, तब जाके ठीक होगे ना। तो मैं कोई भी पेशेंट है, चाहे वो कैंसर का है कोई भी, तो सबसे पहले नेगेटिव सोच निकाल दो, अच्छे से जीना सीख लो, बीमार है बीमारी है तो उसका इलाज भी है, तो उसको सही मात्रा में इलाज कराओ। यस, सही है, डॉक्टर से फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देगा, पर मेंटल हेल्थ तो आपको ही देना है। यस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे आप खुद इस जर्नी से निकले, और आप इसी जर्नी पर जो बच्चे हैं उन्हें आप हेल्प कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, और खुश रख रहे हो उनको, सबसे मेन बात। तो आप खुद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू आपसे, होप आपसे फ्यूचर में जुड़े रहे। मैं जब भी आऊंगी अहमदाबाद, बिल्कुल आपसे मिलना चाहूंगी। श्योर, मैं भी आपको मिलूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारा कैंडिडेट्स का जो चटाई क्लीनिंग, वैसे तो हम अपना क्लासरूम बोलते हैं या चटाई क्लीनिक, तो मैं आपको श्योरली आई होप कि जल्दी से शुरू हो जाए, बच्चे लोग भी वेट करते, अच्छा कोरोना की जर्नी में मैं अभी हॉस्पिटल छुप छुप के जा रही हूँ, बच्चों को ना मिलूं, तो कोई भी बच्चे को मिले, अच्छा चलो हमें अपने ऑफिस में जाना है कि नहीं, अच्छा अच्छा चलो चलो, तो आई होप कि जल्दी से वो ठीक शुरू हो जाए मेरा क्लिनिक, तो बच्चे लोग बैठ के एंजॉयमेंट करेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि ये हमारा चटाई क्लिनिक चलता है, यहाँ बच्चे आके एंजॉयमेंट करते हैं, अपना आधे घंटे या घंटे के लिए अपना दुख भूल जाते हैं।
बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगी कि कैसे क्या होता है उनका बच्चों का, वो एंजॉय करना चटाई क्लिनिक पे, और आप कैसे उन्हें खुश रखते हैं और बाकी सब कुछ. हाँ, श्योर, मैं दिखाऊंगी। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.